नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। कब से आ रहे हो मैम डेरी के अंदर? मैं फिफ्थ क्लास से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। मैम कैसा माहौल देखा था? बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे आते रहते हो आप? हाँ जी, आती रहती हूँ। मैम लड़कियाँ जो डेरे के अंदर आती हैं, क्या लगता है सुरक्षित हैं? बिल्कुल पूर्णतया सुरक्षित हैं। मैम समाज में संत जी ने समाज भलाई के लिए क्या कार्य किए हैं? संत जी ने इतने कार्य किए हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, पर बहुत से कार्य ऐसे हैं जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी थे और हमारे पिताजी ने करे जी। तो जैसे कि भ्रूण हत्या को रोकने का काम पिताजी ने करा, नशाबंदी का काम पिताजी ने करा, सफाई अभियान, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को ब्लड दिलवाने का काम, भक्त योद्धा, कुल का क्राउन जी, मैं तो गिन भी नहीं सकती हूँ, बहुत से काम पिताजी ने। मैम आपको किस काम ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मेरा खुद का बच्चा है जी, थैलीसीमिया से पीड़ित है वो, तो मतलब ऐसे बच्चों के लिए ब्लड की इतनी ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ा ट्रू ब्लड पंप जिसको बोलते हैं जी डेरा सच्चा सौदा के अंदर है, वो सबसे बढ़िया काम है, मैं ये कहती हूँ, बहुत अच्छा काम है। मैम क्या लगता है अगर आज समाज में संत जी का ये ट्रू ब्लड पंप नहीं होता तो कितने लोगों की जानें जा सकती हैं? अगर आज डेरा सच्चा सौदा ब्लड देना बंद कर दे तो बहुत लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया है। किसी भी केस के अंदर हम देखें, कोई भी दुख है वहाँ पे पिताजी से जो शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं वो लोग अपने आप ही आगे बढ़ बढ़ के आते हैं और वो खुद ही आगे आके ब्लड डोनेट करते हैं। किसी को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग सेवाएं ऐसे कर रहे हैं बिना कुछ कहे, सिर्फ शिक्षाओं से प्रेरित होकर लोग सेवा कर रहे हैं। मैम समाज में आज संत जी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज में? समाज में बहुत कई चीज़ें ऐसी थी जो रुक जानी थी, कोई बुराइयां ऐसी थी जो पूरी तरह से, और यूथ जो कि यूथ को पिताजी प्रेरणा दे रहे थे इतनी अच्छी अच्छी, चाहे किसी चीज़ के जरिए दे रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ी सी उस पर इफ़ेक्ट तो आएगा ही, अगर संत ना होते तो कुछ ना होता। मैम आपने कहा कि आपका खुद का लड़का पीड़ित था थैलीसीमिया से, संत जी के यहाँ से कितनी आपको मदद पहुँचाई गई? बहुत, जिस वक्त भी हम चाहते हैं हमें ल्यूको ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ से मिलता रहा है। क्या क्वालिफिकेशन है मैम आपकी? मैं BCA हूँ। मैम कहते हैं लोग कि वेल क्वालिफाइड लोग नहीं आते हैं डेरा के अंदर। नो, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, फॉरनर्स भी जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ये आपके अंदर की वो है कि आप देखोगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है, सब कुछ लड़कियों के लिए, कोई ऐसा रोल ही नहीं है। आप आएंगे तब आपको मालूम होगा कि पिताजी से कितने प्रेरित हमें शिक्षाएं कितनी मिल रही हैं, हम कितने प्रेरित हो रहे हैं। मैम जैसे कि थैलीसीमिया का आपने बोला कि आपका बेटा अभी पीड़ित है थैलीसीमिया से, तो अगर डेरा सच्चा सौदा ब्लड नहीं देता तो आपको कितनी मुश्किल हो सकती थी, और आप क्या अपील करना चाहेंगी लोगों से? शुरू में किसी भी बीमारी के बारे में या किसी दुख के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती हमारे पे क्या दुख आने वाला है, लेकिन जब वो आ जाता है हमें पता चलता है कि ब्लड की भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम रह ही नहीं सकते जिस चीज़ के बगैर, तो वो फिर हमें पता चलता है ना कि ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए, संत क्या कर रहे हैं, लोग कैसे बढ़ चढ़ के अपने आप से ही आगे आ रहे हैं। नहीं तो लोग नहीं आते। सरकार का योगदान है, लेकिन अगर संत ना होते तो फिर कुछ ना होता, मैं तो बार बार यही बात कहूँगी। संतों की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बहुत से लोग आगे आते हैं, बहुत कुछ पता चलता है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं वेल एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद जो इनका लड़का है थैलीसीमिया से पीड़ित है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, और हमारे ही देश में नहीं हर जगह थैलीसीमिया की जो प्रॉब्लम है वो बहुत गंभीर एक दुविधा बनी हुई है, क्योंकि इस टाइम पर जो ब्लड की नीड पड़ती रहती है। ऐसे में सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने अपने फॉलोअर्स के द्वारा इतना ब्लड देकर उस कमी को दूर करने की कोशिश करी है ताकि उन मरीजों को समय समय पर ब्लड मिलता रहे और उनकी जान जो ब्लड के बिना ना जाए। तो ऐसे सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ऐसा की आज ज़रूरत कितनी है आप समझ सकते हैं। जिस चीज़ की नीड है संत जी ने उसकी
की कमी को पूरा किया है ब्लड, आज कोई अपना सगा संबंधी भी देने से डरता है। संत जी के फॉलोअर्स 3-3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और संत जी की आज समाज में कितनी ज़रूरत है ये सबको अच्छे से पता है। डेरा सच्चा सौदा अगर ब्लड डोनेट करना बंद कर देता है तो लोगों का मानना है कि अगर करोड़ जिंदगियां आज जानी आज बचती हैं तो उसमें से कई 90% जो जिंदगियां हैं वो सिर्फ डेरा सच्चा सौदा बचाता है। उनके सेवादार हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।